फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं, आज बहुत दिनों के बाद कबूतर पकड़ने की वीडियो आ रही है कैचिंग का। तो आज मेरी छत पे देखिए, कबूतर पहले से ऑलरेडी खुले हुए थे। आज हम कई दिन से कबूतर खोल के चले जाते हैं, बंद नहीं कर रहे क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। तो आज हमने देखा कि दो कबूतर आए हुए, एक वो लक्का बैठा हुआ है, किसी का आया हुआ है उदावल बबरा लक्का, और एक अंबर सरा आके पहले ही से बैठा हुआ है। आज तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, वो अंबर सरा, वो गिरावाज है उधर बैठा हुआ है, और ये है लक्का। तो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि देखें कौन सा पकड़ में आता है, कौन सा जाता है। तो सबसे पहले तो हम दाने पे कबूतर को लें। बहुत ही शातिर कबूतर हैं दोनों, आ नहीं रहे, अलग ही अलग हैं, एकदम ही आ नहीं रहे। इनको अंदर जाल के अंदर पकड़ना पड़ेगा हमें। बहुत नहीं नहीं वाला उधर ही बैठा है, उधर पीछे वो देखिए, वो देखिए उधर बैठा है, नहीं वो देखिए वो बैठा है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है जो उधर है। या खो गया इसको, बैठा है कि नहीं वहां पे। हल्का हल्का जा रहा है उधर, अंदर जा रहा है। आया? हाँ। नहीं, उधर ही बैठा, उधर ही बैठा है। ये देखिए लक्का आ गया है पकड़ में, आपके सामने लाइव पकड़ा है। ये देखिए, ये है लक्का। ये देखिए, दो बाज लक्का है।
बाकी के मेरे कबूतर देखिए डर गए हैं और एक ऊपर बैठा है वो जख्मी है, अभी हमने देखा उसको पास से, वो जख्मी है, इसको पकड़ लिया है। आ गई बिल्कुल आ गए। आप चुप्पे उधर जाओ। पकड़ लिया था और क्या, नहीं वहीं बैठा है। देखिए जो दूसरा वाला जो कबूतर है वो पीछे जाके बैठ गया है, अभी हमने उसको छपका लगाया है तो वो आ गया था, सिर्फ हमें दिख भी नहीं रहा था कबूतर, आइडिया से हमने छपका लगाया, कबूतर आ गया था लेकिन वो निकल गया। अभी मैंने पास से देखा है उसके जख्म है, हमें लग रहा है कि ऊपर आसमान में किसी बैरी एरी ने उसको मारा है, झपट्टा मारा है या अटैक किया होगा जो भी, तो बहुत ही घायल हुआ हुआ कबूतर है, उड़ नहीं पा रहा है, वो उधर बैक साइड में बैठा है। मैं आपको दिखा दें ज़रा किधर बैठा है, यहाँ पर बैठा, अभी देख के अभी भागेगा। दिख नहीं रहा है, इसी के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल बीच में जाके बैठ गया है, दिख भी नहीं रहा है। अरे उसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, बस जख्मी था तो हमने सोचा कि उसका ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ देंगे, वो बैठा है, वो देखिए वो कबूतर उसको जो है परेशान कर रहे हैं। इसको तो हमने पकड़ लिया लगते को, ये आप देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू, ये बैठी हुई है, ये जहाँ तक के मादा है फीमेल, पैर इसके टेढ़े हैं, उंगलियाँ टेढ़ी हैं इसकी। काफी चोट है इसके, और अब इसका हम ट्रीटमेंट करके इसको छोड़ देंगे इसके। ये देखिए जख्म, ये देखिए पूरा जख्म है इसके, इसको जो है कबूतर ने खा या बिल्ली ने किसी तरीके से मारा है और ये उड़ नहीं पा रहा है, इसका ट्रीटमेंट करके इसको ठीक कर देंगे, ठीक करके इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये देखिए आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, और जो ये देखिए मैंने आपके सामने ये पकड़ा था ये कबूतर, ये वाला गिराबाज जो ज़ख्मी हालत में था, वो आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, ट्रीटमेंट जो मैंने था वो करा इसका, और ट्रीटमेंट करने के बाद ये देखिए जो ज़ख्म था आपको दिखाएं, ये देखिए ये ज़ख्म सूख चुका है पूरा, ये जो पूरी तरीके से जो है यहाँ ज़ख्म था खून से लथपथ आया था मेरे पास, इसको हमने थोड़ा सा टाका का लगा करके और सही कर दिया है, बाकी ये पर हैं जो बाद में सही हो जाएगी, ये देखिए नोच दिया हमने, अब ये ज़ख्म बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है, ये कबूतर बिल्कुल फिट हो गया है और एक्टिव भी है। आज हम इसके पर भी खोलने जा रहे हैं तो आपके सामने दिखाते हैं कि ये रुकता है कि चला जाता है, हमने आपसे कहा था वीडियो में कि जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको आज़ाद कर देंगे, अगर ये जो है जाना चाहता है तो चला जाएगा, रुकना चाहता होगा तो रुकेगा, इसकी मर्ज़ी। तो ये देखिए आपके सामने हमने इसका पर खोल दिया है और बहुत ही साफ़ सुथरा कंडीशन में हो गया है, जब ये आया था तब ये क्या कैसा था और अब देखिए कैसा हो गया, तो अब हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, ये देखिए गया, ये छोड़ दिया उसको, वो गया वहाँ पे सामने बैठ गया है, बिल्कुल फिट है एकदम, और कैसी कंडीशन में आया था ये देखिए पास से दिखाते हैं हम आपको,
कैसी कंडीशन में आया था और अब कैसा हो गया सबके साथ में रह करके। बिल्कुल ज़ख़म जो था बहुत गहरा ज़ख़म था वो सही हो गया है। तो बस अब इसको ना ही ज़्यादा परेशान करते हुए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।